आज हम बात करेंगे एक ऐसे ट्रक की जिसे अफ्रीका के झुलसा देने वाली रेगिस्तान से ले जाना था। मुश्किल यह नहीं है कि ट्रक को अफ्रीका से ले जाना, बल्कि उस ट्रक में 3 टन बर्फ को लेकर जाना है, जहां पर लोहा बड़ी आसानी से नरम पड़ जाता है। इस सिचुएशन में क्या ये बर्फ का ब्लॉक सरवाइव कर पाएगा अफ्रीका की गर्मी को बिना किसी रेफ्रिजरेटर के? ये बात है 1959 की, जब सबका ध्यान एक आइस ब्लॉक ने खींच रखी थी। इस आइस ब्लॉक को मोइराना, जो कि नॉर्वे में है, वहां से लिब्रावेल सेंट्रल अफ्रीका तक लाना था। साफ शब्दों में कहे तो इस आइस ब्लॉक को एक कोने से दूसरे कोने तक लाना था, वो भी बिना किसी रेफ्रिजरेटर की मदद से। आखिर इस आइस ब्लॉक को वहां से क्यों लाया जा रहा था? ये बात शुरू होती है 1958 लक्जमबर्ग रेडियो स्टेशन से। इस रेडियो स्टेशन को सुनने वालों के लिए एक चैलेंज रखा गया। चैलेंज में ये शर्त रखी गई कि जो 3 टन आइस ब्लॉक को आर्कटिक रीजन से अफ्रीका तक लाएगा, उसे एक बड़ा इनाम दिया जाएगा। उन्होंने ये शर्त रखी कि हर 1 kg पर 1,00,000 फ्रेंचिस दिए जाएंगे। आज के टाइम पर 1,00,000 फ्रेंचिस की कीमत करीब $17,000 होती है, यानी कि 3 टन आइस ब्लॉक के बदले $50 मिलियन मिलते। इस बड़े इनाम के बदले कुछ शर्त भी रखी गई थी। पहली शर्त ये थी कि पूरे आइस ब्लॉक को सिंगल पीस में लाना होगा। दूसरी शर्त ये थी कि इस आइस ब्लॉक को बाय रोड ही ट्रांसपोर्ट करना है। तीसरी और सबसे मुश्किल शर्त यह थी कि इस आइस ब्लॉक के चैलेंज को बिना रेफ्रिजरेटर की मदद से पूरा करना था। रेडियो लक्जमबर्ग स्टेशन जानता था कि ये चैलेंज पूरा कर पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये सफर पूरे 8,500 किलोमीटर का था और इस बीच इसे अफ्रीका से गुजरना है, जहां ये आइस ब्लॉक 1 घंटे भी नहीं टिक सकती। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने कोई नहीं आया, लेकिन कुछ महीनों बाद बिर्गर नेटविक ने ये ऐलान कर दिया कि ये चैलेंज पूरा करेंगे। बिर्गर नेटविक इंसुलेटिंग ग्लास वॉट के मैनेजर डायरेक्टर थे। इनका मानना था कि उनकी कंपनी जो इंसुलेटिंग मटेरियल बनाती है, उसकी मदद से ये चैलेंज ईजली पूरा कर सकते हैं। नेटविक के इस आइडिया से रेडियो लक्जमबर्ग स्टेशन को एक बड़ी रकम खोने का डर लगने लगा, लेकिन नेटविक ने फिर भी ये चैलेंज पूरा करने का फैसला किया, क्योंकि इससे उनकी कंपनी की काफ़ी ग्रोथ हो सकती थी। अब इस चैलेंज को स्टार्ट करने का टाइम आ गया था। इस चैलेंज को पूरा करने के लिए एक इंजीनियर, 4 ड्राइवर, 1 ट्रक मैकेनिक और 2 कैमरामैन की एक पूरी टीम बनाई। 3 टन आइस ब्लॉक को एक बार में ग्लेशियर से काटकर उठाना मुश्किल था, तो टीम ने इस आइस ब्लॉक के छोटे छोटे ब्लॉक बनाकर उसे हेलीकॉप्टर की मदद से ट्रक तक ले जाया गया और उसे दोबारा फ्रीज करके उसे एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया गया। अब ये चैलेंज पूरी दुनिया में हेडलाइन बन गई थी और काफी कंपनीज ने उन्हें स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। इस आइस ब्लॉक को ट्रक में लोड करके एक ऐसे कंटेनर में डाला गया जिसके साइड को ग्लास वूल से इंसुलेट किया गया था। 27 फरवरी 1959 को ये सफर शुरू हुआ। इस ट्रक को मोइराना से शुरू करके डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन, मोरक्को के रास्ते अल्जेरी के सहारा से लेकर लिब्रावेल खत्म होना था। शुरुआत में इस ट्रक का सफर काफी बेहतर था, क्योंकि यहाँ का मौसम काफी ठंडा और रोड भी अच्छे थे। इस ट्रक को देखने के लिए काफी भीड़ लगी रहती थी। जब ये ट्रक पेरिस से गुजर रहा था, तो इस ट्रक को भीड़ से निकलने के लिए कुछ प्रोटोकॉल तक तैयार किए। 1 हफ्ता गुजारने के बाद इस ट्रक को समुद्र से ले जाया जाना था। इस समुद्र को पार करने के बाद मुश्किलें काफी बढ़ गई। अब ट्रक अफ्रीका पहुंच चुका था, जहां पर दिन का टेम्परेचर करीब 50 डिग्री सेल्सियस होता है। इस गर्मी में आइस ब्लॉक के पिघलने का डर तो था ही, इसके साथ साथ गर्म रेत पर ट्रक के इंजन का खराब होने का डर, क्रू मेंबर के सेहत और सिक्योरिटी का भी डर था। जिस समय ये चैलेंज पूरा करा जा रहा था, उस समय अफ्रीका के कुछ जगह पर जंग चल रही थी।
जिस वजह से फ्रेंच फॉरनर निगम ने उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करी और उन्हें ये इंस्ट्रक्शन दिए वो कम से कम स्टॉप ले। इस सारा रेगिस्तान में रोड ना होने की वजह से ट्रक रेत में बार बार फंस जाता था, जिससे निकालने में घंटों बर्बाद होते थे। जितना इन्हें ट्रक को ले जाने की जल्दी थी, उतनी ही मुसीबतें आती जा रही थी। सहारा की इतने गर्मी में अब आइस ब्लॉक पिघलने लगी। इस पिघले हुए पानी को वो खुद भी पीते थे और सहारा से गुजरने वाले मुसाफिर को भी पिलाते थे। कई रात सहारा में बिताने के बाद वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए। 28 दिन का ये सफर उनके लिए काफी मुश्किल रहा। लिब्राविल पहुंचते ही उनका स्वागत हुआ, पर सबको इस बात की चिंता थी कि उस ट्रक में कितनी आइसबर्ग मौजूद होगी। जब इस ट्रक को खोला गया तो सब हैरान रह गए, क्योंकि जब ये ट्रक मोइराना से निकला था तब इसके अंदर 3050 केजी बर्फ थी। लेकिन 28 दिनों का यह मुश्किल सफर तय करने के बावजूद इस ट्रक में 2714 केजी बर्फ मौजूद थी। इस आइस ब्लॉक को तोड़कर काबू के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिन्होंने कभी भी बर्फ नहीं देखी थी। ग्लासवॉट के इस कारनामे ने उनकी कंपनी में 4 चांद लगा दी और ये कंपनी आज भी ग्लावा के नाम से इंसुलेशन मटेरियल बनाती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।